हेलो गुड मॉर्निंग, राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ मेरा पूरा परिवार एकदम स्वस्थ एकदम मस्त है। तो सुबह की शुरुआत हुई है रिमझिम बारिश के साथ। और इधर दीदी ने छौंक दी है सोयाबीन की सब्ज़ी, दूसरी तरफ रिफाइंड रखी थी गर्म होने के लिए तो उसमें डाल दिए हैं आलू। सोयाबीन की सब्ज़ी बन रही है और बच्चों के लिए बने हैं पूड़ी और आलू फ्राई। बच्चों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर ये चीज़ लगाओ ना तो पूरा का पूरा टिफ़िन जो है वो ख़त्म होके आता है। तो ये देखिए आलू जो हैं वो हमारे करारे करारे से एकदम फ्राई हो चुके हैं। ज़्यादा भी करारे नहीं करना होता है, सिर्फ आलू पक जाएं जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं ना, बिल्कुल उस टाइप से। तो उसमें नमक मिर्च डाल देते हैं। आन्या नहीं खाती है मिर्च तो आन्या सिर्फ नमक डालती है, उसके साथ पूड़ी बना देते हैं। इधर मैं कर रही हूँ बच्चों को रेडी। बच्चे रेडी हो गए थे, सिर्फ मुझे चोटी करनी है। बाकी आने के पापा ने आज आने को रेडी कर दिया था क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे। बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी जिसकी वजह से जल्दी उठ ही नहीं पाए तो थोड़ा सा लेट हो गए। तो अभी सारे काम जो हैं वो फटाफट कर रही हूँ। मैं भर रही हूँ बच्चों की बोतल, दीदी पूड़ियाँ सेक रही हैं और बच्चे खा रहे हैं। मैंने बोला तुम लोग सिर्फ खाने पे फोकस करो और मैं फटाफट से तुम लोगों के टिफ़िन लगा देती हूँ। तो देखिए गाड़ी आ चुकी है और बच्चे जो हैं जा रहे हैं। अभी 7 बजे जा रहे हैं, अब आएंगे 3 बजे की तरफ। छोटे छोटे से बच्चे हैं, थक जाते हैं। आन्या की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो आज है बुधवार तो मुझे धुलना है सिर। तो फटाफट से मैंने सोचा ऑयलिंग कर लेती हूँ बालों में, क्योंकि फिर जब तक नहाऊंगी ना तब तक तेल जो है वो बालों में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए पहले ऑयलिंग कर रही हूँ, उसके बाद बाकी के काम निपटाऊंगी। और थोड़ा सा फ्रिज मुझे क्लीन करना था। और ये जो रहते हैं ना इसकी रैक वगैरह, ये निकलती नहीं है। जो छोटी छोटी सी है ना ये निकलती नहीं है जल्दी से। इनके पीछे बहुत ज़्यादा मुझे गंदा सा लग रहा था। वैसे तो डेली क्लीन करती हूँ बट ये सब नहीं हटाती हूँ, ये मैं बहुत टाइम के बाद हटा रही हूँ। तो इसीलिए ना थोड़ा सा गंदा था वहाँ पे। बाकी तो पूरी फ्रिज साफ़ ही रहती है क्योंकि होती रहती है डेली की डेली सफाई। तो गीले कपड़े से ना पूरी फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। मैं ना बेड ठीक करने के लिए जा रही थी, वहाँ पे एक छिपकली थी और छिपकली से हर लड़की को डर लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है गाइज़। तो मैं उसको पहले भगा रही थी और ना जाने कैसी थी, मतलब अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी, जबकि मैं डंडे से उसकी पूँछ पे ही डायरेक्ट अटैक कर रही थी बट वो भागने का नाम ही नहीं ले रही थी। और लास्ट में ना मैंने उस पर सैनिटाइज़र थोड़ा सा डाला तो वो भाग गई। तो चद्दर जो है वो सेट हो चुकी है, अभी कर लेती हूँ मैं रूम की डस्टिंग। कई सारे लोग ना एक चीज़ का बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि इन्हें तो बस अपने रूम को साफ़ करने की रहती है। तो देखिए हम लोग रहते हैं जॉइंट फैमिली में, सबके अपने अपने पर्सनल रूम हैं तो हर कोई अपना रूम क्लीन करता है, उसमें बुराई भी क्या है। मैं किचन के काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद रूम में आती हूँ और रूम के बाहर जितना भी एरिया है ना बाथरूम के सामने वो पूरा का पूरा क्लीन मैं ही करती हूँ। दीदी अंदर वाले पोर्शन में झाड़ू पोछा करती है, मैं बाहर। बाकी पूरी किचन भी मैं ही क्लीन करती हूँ, बर्तन भी धुलती हूँ, खाना हम लोग मिलके बनाते हैं। तो क्या काम ज़्यादा क्या कम, लेकिन लोगों को तो फालतू की बातें करने की आदत है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब लिख देते हैं कि आप तो कुछ काम करते ही नहीं हो और आप तो ब्लॉग ही बनाते रहते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ मैं कितना काम करती हूँ। और घर में जब सभी लोग साथ में रहते हैं तो सभी लोग काम करते हैं, कुछ कभी कभी कोई ज़्यादा कर लेता है तो कोई कम कर लेता है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया कीजिए, दूसरे की लाइफ के बारे में ऐसे बोलना अच्छी बात भी नहीं होती है वैसे। और आप लोग देख सकते हो कि मैं क्या काम कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। और दीदी के काम थोड़े से अलग रहते हैं और मैं वैसे भी ब्लॉग नहीं बनाती है, वो भी काम करती हैं और मैं भी काम करती हूँ, हम दोनों ही लोग मिल के काम करते हैं। तो देखिए बातों ही बातों में कपड़े बोल रही हूँ, जो भी रूम था वो मैंने अच्छे से सेट कर दिया था, किचन की क्लीनिंग कर दी है। और ये हैं शाम के धुले बर्तन, तो मैं इनको फटाफट से कर रही हूँ किचन में सेट। पतिदेव जो हैं वो जा रहे हैं ऑफिस और मैं आ गई हूँ इधर बर्तन धुलने के लिए। और सुबह से एक भी बार बर्तन नहीं धुले गए हैं, मतलब पानी वानी भी कुछ भी नहीं भरा था। मैंने जो शाम को पानी भरा था ना, उसी से ही खाना पीना बनाया है। तो अभी सारे बर्तन धुलती हूँ और जो भी बाल्टी है, टंकी है, सब साफ़ करके, सारे बर्तन साफ़ करके तब पानी भरूँगी। और सुबह बर्तन थोड़े से हो ही जाते हैं क्योंकि चाय के होते हैं, नाश्ता होता है, नाश्ता और खाना तो एक ही होता है बट हो जाते हैं फिर भी, क्योंकि पानी वगैरह भरना होता है सारे बर्तन खाली कर करके। और मैंने एक भी बार भी बर्तन धुले ही नहीं है, तभी फटाफट से बर्तन धुल देती हूँ। और आजकल इतनी ज़्यादा मक्खी आ रही है ना घर में कि मैं परेशान हो चुकी हूँ। जैसे ही बर्तन धुलती हूँ मुझे तुरंत उसे ढकना पड़ता है क्योंकि मक्खी फिर सारे बर्तन ख़राब कर देती है। और मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं जिनकी तबीयत है बहुत दिनों से ख़राब, जो कि मेरी वीडियो भी नहीं देख पा रही हैं, तो आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी और फिर आप जल्दी से ठीक होके मेरे सारे वीडियो देख लेना। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप बीमार हो फिर भी आपको लग रहा है कि मैं आपके वीडियो, मतलब मेरे वीडियो नहीं देख पा रहे हो आप, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बट आप जब ठीक हो जाना उसके बाद ही मेरे वीडियो देखना स्टार्ट करना। और इतना सारा प्यार आप लोग देते हो ना, इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ऐसे ही हमेशा आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो देखिए बर्तन धुलने के बाद मैं आई हूँ मैं बाहर। बारिश हुई थी ना तो पानी भरा था, तो पहले वाइपर से क्लीन कर रही हूँ। गांव में ना बारिश के टाइम पे थोड़ा रूटीन चेंज हो जाता है क्योंकि गंदा ज़्यादा होता है घर, तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है। मिट्टी 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 रहती है पूरे घर में। तो वाइपर मार दिया था, उसके बाद झाड़ू भी लगा दी थी, तो अभी लगा लेती हूँ मैं पोछा। और रेनी सीज़न में ना गाँव का क्या रूटीन रहता है कि थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मिट्टी वगैरह ज़्यादा आती है, शहरों में नहीं होती है, बंद घर रहते हैं और इतना कोई मिट्टी आने का सवाल पैदा नहीं होता है। बट गांव में ना थोड़ी सी भी बारिश होती है ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी 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 हो जाती है अगर कोई भी चप्पल पहन के अंदर आ रहा है। सो गाइज़ मैं नहा के आ चुकी हूँ। और पता है बारिश जो है वो मैंने जैसे ही झाड़ू पोछा किया ना, मैं नहाने गई आई तो हल्की हल्की सी बूंदी पड़ रही, रिमझिम सी बारिश, तो पूरे में पानी पानी हो गया है। बाहर से कोई जब आएगा ना तो मिट्टी 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 रहती है, इसीलिए मैं सबसे बोल देती हूँ कि बाहर ना चप्पल अपने उतार के आओ ताकि अंदर जो है मिट्टी ना आए, क्योंकि सफाई करो उसके बाद बारिश हो जाए और मिट्टी हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। तो फटाफट से ना मैं रेडी हो जाती हूँ। मेरी जो रोज़ वाटर वाली बोतल है ना, उसका जो स्प्रे है वो खराब हो चुका है। देखो किस तरीके से निकलता है, एकदम मतलब एक ही धार बांध कर निकलता है, जिसकी वजह से ना मुझे ऐसे करके लगाना पड़ता है। बोतल मुझे ना लानी पड़ेगी, यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मैंने नोएडा से खरीदी 2 बोतल, अभी तक चली, अब जाके पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई। पता है जब लाइट नहीं आती है ना तो गर्मी में रेडी होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं पंखा डुला रही हूँ क्योंकि मैंने स्प्रे किया है रोज़ वाटर। और रोज़ वाटर के बाद ना बिना सुखाए अगर थोड़ा वो लगा लेती हूँ मॉइस्चराइज़र तो पूरा फेस ऑयली हो जाता है, इसीलिए मैं पंखा कर रही थी ताकि थोड़ा सा फेस ड्राई हो तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। और नहा के आने के बाद ही सबसे ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है गर्मियों में। 1 घंटे के बाद जैसा का तैसा ही हो जाता है। गर्मी की वजह से ना मेरा कलर भी बहुत ज़्यादा डल हो चुका है जब से घर से आई हूँ। कई लोग ये चीज़ का कमेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे काम करने पड़ते हैं, मायके में इतना कोई काम का प्रेशर नहीं रहता है, अंदर ही बैठ रहा तो फ़र्क पड़ ही जाता है। तभी खा लेती हूँ मैं खाना। सो गाइस खाना पीना खा के एकदम फ्री हो गई हूँ और अभी टाइम बच्चे आने वाले होंगे 1 घंटे में, तभी थोड़ी देर बैठ लेते हैं दीदी के साथ में, थोड़ी बहुत देर बातें कर लेते हैं। उसके बाद बच्चे आ जाएंगे तो 1 घंटा उसमें भी जाएगा। गाइस देखिए हमारे पास क्या है, ये किसने खाया खट्टा वाला चूरन। कल राधिका खा रही थी, हमने उससे ले लिया। मैंने ये बचपन में बहुत ज़्यादा खाया है। आप लोगों में से किसने खाया है कमेंट करके बताना। टेस्ट करते, वैसे ही ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, नुकसान करता है, बट बहुत टाइम बाद खा रही हूँ, मतलब बचपन से अब खा रही हूँ। एकदम खट्टा खट्टा सा लगता है और खट्टा मीठा जो रहता है वो इतना हार्ड नहीं होता है, खट्टा मीठा मिक्स करवा लो। अच्छा लग रहा है ना हमारा तो बचपन से फेवरेट है। अच्छा लगता है। हमारी मैंने 10 रुपए की चीज खाई थी और 5 रुपए की चीज खाई थी। 5 रुपए रात का 10 रुपए ले दी, उसने 5 रुपए बचा लिए थे। 10 रुपीज़ राधिका दीदी ले गई थी कि आप पापा ने दिए थे आपको? मुझे पापा ने दिए थे, इसलिए हम लेकर गए स्कूल में। रात का देने ने 5 रुपए और ले लिए, कहा छुट्टी टाइम बिरयानी लूँगी। अच्छा, बिरयानी लूँगी? कैसी बिरयानी? बनती नहीं है चीज़ में। चीज़ में? मुझे लगा वेज बिरयानी। पापा ने मुझे नहीं बताया आप पैसे लेके गए, मुझे पता चलता, मैं बिल्कुल नहीं देती पैसे। तो देखिए मैंने आन्या को रेडी कर दिया है, तो आने जा रही है थोड़ी देर खेलने के लिए। मैं आ चुकी हूँ, अब मैं खेलने जा रही हूँ तैयार होके। तो आन्या थोड़ी देर खेलने के लिए जा रही है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आए तो एकदम से उन्हें उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि फटाफट होमवर्क कर लो, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें भी मस्ती करने का मौका देना चाहिए। सुबह 7 बजे की गई है और 3 बज चुके हैं जब आई है, तो इसीलिए अब थोड़ी देर खेल के और मस्ती करो, शाम को होमवर्क करना। ओके? और मेरा हो चुका? हाँ हो चुका। हाँ? ये स्कूल में जब तक गाड़ी और बच्चों को छोड़ के आती है, तब तक ये लोग अपने होमवर्क स्कूल में ही फिनिश कर लेते हैं बैठे बैठे। तो मैं इसको बस लर्निंग का कुछ बता देती हूँ कि ये याद कर लो, वो याद कर लो। तो अभी फ़िलहाल मैं फटाफट से एडिटिंग करती हूँ, शाम को वीडियो भी मुझे अपलोड करनी है और डेली की डेली वीडियो डालने का ट्राई कर रही हूँ। और एक चीज़ आप लोगों से मुझे बात करनी है, आप जाओ खेलने के लिए, ठीक है? अच्छा पुच्ची कर दो, किसी कर दो। तो जो बात करनी है वो ये है कि आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप लोग फुल वीडियो ज़्यादा पसंद करते हो कि शॉर्ट्स, क्योंकि फुल और शॉर्ट्स एक साथ कंटिन्यू करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मेरे टाइम पे वीडियो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि दोनों वीडियो में बनाती हूँ, उसमें टाइम भी लगता है और एडिटिंग में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम ऐसे तो है नहीं बहुत बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं, हमारे पास कैमरा मैन है, घर में काम नहीं है, तो इसीलिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और मेरी वीडियो में कोई भी हेल्प नहीं करता है, ना कोई मुझे शूट में हेल्प करता है। पूरा स्टैंड विद स्टैंड सब कुछ मुझे ही लगाना पड़ता है, पूरी एडिटिंग, थंबनेल अपलोड करना, सारा कुछ मेरा रहता है। तो इसीलिए ना थोड़ा सा मेरे साथ हो जाता है, इसीलिए मैं अपने वीडियो टाइम से डाल नहीं पा रही हूँ। तो अगर मैं आपके साथ डेली ब्लॉग शेयर करूँगी भी, कुछ टाइम बाद बेशक मैं कंटिन्यू हो जाऊँ, बट फिलहाल कुछ दिन से बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ। तो कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ या तो फुल वीडियो आएगा, एक ही वीडियो आएगा, मतलब या तो फुल आएगा या शॉर्ट आएगा, एक साथ दोनों वीडियो तो नहीं अपलोड कर पाऊंगी मैं। अगर आप डेली ब्लॉग देखना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके बताना कि फुल वीडियो ज़्यादा पसंद है आपको कि शॉर्ट्स। ज़्यादातर लोग शॉर्ट्स ही देखना पसंद करते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स क्या रहता है, कम टाइम में पूरी चीज़ें दिख जाती हैं, इसीलिए। बाकी आप लोग कमेंट करना जो भी आपकी राय हो। तो मैं फटाफट से एडिटिंग करती हूँ। लाइट सुबह से नहीं आ रही है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट की प्रॉब्लम रहती है। थैंक गॉड इन्वर्टर बचा हुआ है तो मेरे फ़ोन वगैरह चार्ज हो रहे हैं, वरना अगर इन्वर्टर ना हो तो फ़ोन चार्ज ना हो पाए, जिसकी वजह से मैं वीडियो भी ना बना पाऊँ। ये भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कई बार गाँव में, बट ज़्यादातर एडिटिंग की प्रॉब्लम रहती है। मैं टाइम पर वीडियो एडिट नहीं कर पाती हूँ काम की वजह से। तो फटाफट से एडिटिंग करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। कैसे बनाते हैं पहले बताओ। पहले तेल डालो, उसमें आलू छील के, ठीक है? फिर उसमें मेथी डालो, फिर नमक मिर्च डालो, आलू डालो। करारे करारे बनाना, ठीक है? बनाओ, मैं वीडियो बनाऊंगी, तुम्हारी रेसिपी शेयर करूंगी। तो जो राधिका बनाने के लिए जा रही है ना, ये मैंने शादियों में भी बहुत ज़्यादा खाया है, बट अभी हम सिंपल से बनाएंगे क्योंकि चटनी वगैरह तो है नहीं। जो जो छोटे छोटे आलू होते हैं ना, तो वही आलू उनको काटा है, बिना मतलब छिक्कल उतारना नहीं है उसका, और तेल में डालनी है मेथी। मेथी चटकने पे डाल देंगे, इसमें आलू, नमक और मिर्च डाल देंगे। बहुत सिंपल है बट अच्छा अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि एकदम करारा करारा सा रहता है ना। इसमें बाद में जलजीरा और डाला जाएगा तो काफ़ी टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा। तो कम से कम 15 से 20 मिनट लग गए होंगे, क्योंकि ये जो आलू है ना वो चिकसोना है तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो आलू जो है वो बन चुके हैं, अभी इसको ना करारा करारा सा करना है, वही ज़्यादा टेस्ट लाता है। तो देखिए आलू जो हैं वो बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था, इसमें डाल दिया है जलजीरा, और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अभी खा के बताती हूँ कि कैसे लगेंगे। टेस्ट करते हैं राधिका ने जो आलू बनाए हैं कैसे बने हैं। एकदम ना करारे करारे से हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं खाने में। बच्चा है उस हिसाब से तो काफ़ी टेस्टी है, वैसे कोई कमी भी नहीं है, हल्का सा नमक कम है और एकदम करारी से है ना, तो टेस्ट बढ़िया आ रहा है। रूखे खाओ, इनमें दही वही डाल लो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे राधिका 10 आउट ऑफ 10, आलू बहुत टेस्टी थे। अगली बार बनाएंगे थोड़ी ज़्यादा बनाएंगे और चटनी और बनाएंगे हरी धनिया वाली, ज़्यादा टेस्ट आएगा ना, है ना। मम्मा किस लिए लिख दो, करोगी क्या? करेंगे, सब कर रहा है। अजय क्रिसमस थोड़ी ना चल रही है। अजय क्रिसमस डे पे लिखा पाया जाता है सबका नाम। अरे आज भी लिख दे, लाओ अभी लिख दे। तो अभी आ चुकी है मार्केट से सब्जी। सब्जी को रख देते हैं और करते हैं डिसाइड कि क्या बनेगा खाने में। और पता है बरसात के टाइम पे सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। अभी टमाटर जो है वो सस्ता हो चुका है, आई थिंक 40-50 रुपये किलो आ गया है, बीच में तो 100-150 रुपये किलो हो गया था। तो अभी बनने के लिए जा रहे हैं गर्मा गर्म दाल चावल। जो भी सब्जी आई है उसमें से तो कुछ भी नहीं बन रहा है। शाम को ना दाल चावल सही रहते हैं, बाकी सुबह नहीं समझ आता है। सुबह तो कोई सब्जी हो उसके साथ दाल बनाओ तो सही भी रहता है, अदरवाइज़ शाम को गर्मा गर्म दाल चावल का अलग ही टेस्ट आता है। तो सारे मसाले डाल के दाल जो है वो मैंने चढ़ा दी थी और दाल जो है वो बन भी चुकी थी। मैं लगा रही थी तड़का और वीडियो वगैरह कुछ शूट कर ही नहीं पाई थी। एक तरफ हो रहा है दूध गर्म तो फटाफट से लगाती हूँ दाल में तड़का। सभी लोग आ चुके हैं। चावल जो है वो भी एक तरफ रख दिए थे बनने के लिए, गरम गरम दाल चावल खाएंगे। और रोटियाँ जो है ना वो 2-4 ही बनाई थी भैया और इनके लिए, 2-2 रोटी बना दी थी। तो गर्मा गर्म दाल चावल आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। अचार के साथ खाओ, प्याज के साथ खाओ, काफ़ी अच्छा लगता है दाल चावल। एकदम हेल्दी सा हमारा डिनर रेडी है। सो गाइस खाना पीना खा के मैं हो चुकी हूँ एकदम फ्री और लाइट भी आ चुकी है। तो अभी फिलहाल नीचे ही लेटे हैं, देख रहे हैं मौसम ख़राब है। लाइट चली गई तो जाएंगे छत पे, अदरवाइज़ इन्वर्टर तो है ही चार्ज, क्योंकि 6-7 घंटे पंखा चलाया था सुबह, हमने बंद कर दिया था ताकि फ़ोन वगैरह मेरे चार्ज हो जाए। तो सारे काम से फ्री हो गए हैं, सारी बोतलें भर के फ्रिज में लगाई। हर चीज़ का वीडियो नहीं शेयर हो पाता है क्योंकि क्योंकि कभी कभी होता है ना जल्दी जल्दी में काम कर रहे हैं तो नहीं हो पाता, कैमरा वैमरा लग नहीं पाता है। तो सारे काम से अब जाके फ्री होके मैं रूम में आई हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ, ठंडा ठंडा सा फील होगा ना, उसके बाद जाऊँगी मैं नहा के आऊँगी और आपसे लेती हूँ मैं यहीं पे विदा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड प्यारा सा कमेंट करके बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, राम राम जी सभी को।